सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को हिट कीजिए सीए कोर्स रिलेटेड ऑथेंटिक अपडेट्स पाने के लिए। हमारे कम्युनिटी सेक्शन को देखना मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मिलेंगे आपको आने वाली वीडियोस की जानकारी सबसे पहले। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल नीरज अरोरा क्लासेस। और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे जिसका नाम है अमेंडमेंट्स इन जीएसटी फॉर नवंबर 2018। जी हाँ, बहुत परेशान हुए सर आप लोग जिन्होंने सर एग्जाम दिए मैं 2018 में और उन्होंने सर अभी जो है प्रिपरेशन शुरू करी होगी तो उन्हें लगा होगा जीएसटी में बहुत सारी अमेंडमेंट्स है। और ऐसा सर एक मैं बोलूँगा कि एजेंडा भी चलाया गया कि ओ जीएसटी में अमेंडमेंट आ गई है, टूट पड़ो, ये करो वो करो वो करो। बट लेट मी टेल यू, बिल्कुल रिलैक्स रहें सर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बहुत 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 ज़्यादा आसान होने वाली ये चीज़ें, भूल जाइए, 1% भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है किसी भी अमेंडमेंट से, राइट? ये मेरी पर्सनल गारंटी है आपको, रिलैक्स रहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाइयों, इसके पीछे भी सर कुछ राज है और वो राज मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या राज है। और मैं आपको अमेंडमेंट्स का पूरा ओवरव्यू देता हूँ और एक पूरे चैप्टर की अमेंडमेंट्स कवर भी कर लेंगे सर इसी वीडियो में, राइट? चलिए जल्दी से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि सर क्या है वो राज जिसकी वजह से मैं इतना खुश हो रहा हूँ आज, और वो राज क्या है। मैं निकाल लूँ भाई पहले वो राज ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। ये रहा वो राज। यहाँ पे तो कोई राज है ही नहीं, अब कैसे करोगे भाई, अब कहाँ जाओगे सर इस राज को लेके, मुझे बताओ जरा जल्दी से। तो मैं आपके लिए राज जो है जल्दी से ले आता हूँ भाई। यहाँ पे आजा राज आ गया राज। ओके, यहाँ भी कोई राज नहीं है, लो भाई लो, ये सर एक्चुअल राज। ओके, सो जीएसटी के अमेंडमेंट सर एप्लीकेबल जो नवंबर 2018 के लिए है वो सर कौन सी है? सर्कुलर और नोटिफिकेशन जो इशू हुए हैं 30 अप्रैल 2018 तक। आपके पास जो स्टडी मटेरियल है जुलाई 2017 का, न्यू कोर्स का, ऑब्वियसली न्यू कोर्स ओल्ड कोर्स के लिए दोनों के लिए सेम है, वो एप्लीकेबल है। और उसके साथ साथ आपको सर सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़नी है जो इशू हुई है अप टू 30 अप्रैल 2018, राइट? अब कई मुद्दे तो ऐसे जिसमें 30 अप्रैल तक दो तीन बार अमेंडमेंट आ गई, तो हमने एज ऑन 30 अप्रैल जो सिचुएशन है वो पढ़नी है, राइट? हाउ टू स्टडी, सर सिंपल है, आईसीए का स्टडी मटेरियल तो फॉलो करना है और जो अमेंडमेंट्स आपको पढ़ाने वाला हूँ वो पढ़ेंगे तो आपके नवंबर 2018 की तैयारी जो है कंप्लीट हो जाएगी, राइट? तो ये बातें अपने दिमाग में डाल लीजिए पहले तो। अच्छा, मैं बताऊंगा और क्या क्या है। आईसीआई की सर एक पीडीएफ आई है, लगभग 49 पेजेस के आसपास की है, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ और उससे आप पढ़ेंगे। साथ ही साथ में गाइस आपको वीडियोज कहाँ मिलेंगी, EDU 91 की एक ऐप है प्ले स्टोर पे, मैं आपको लिंक दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उसे डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपके लिए प्रॉपर कोर्स बना रखा है। वेबसाइट पे नहीं मिलेगा ये आपको, ये आपको मिलेगा ओनली एंड्रॉयड ऐप पे। iOS वाले 10 दिन वेट करें, आपके लिए भी आ रहा है, तब तक अपने घर में किसी का iOS एंड्रॉयड ऐप आप यूज़ कर सकते हैं, राइट? सो EDU 91 ऐप का लिंक मैं आपको नीचे दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करें और सारी की सारी वीडियोस उसमें मैं डेली बेसिस पे एक दो अमेंडमेंट करके लगाता जाऊँगा और आपको इस वीडियो के बाद पता चल जाएगा कि भाई ये अमेंडमेंट जो है ना खासकर इस बार के लिए शास्त्रों में छल कहा गया, छल, राइट? सो बिल्कुल रिलैक्स रहे, आपको डरने की किसी भी हालात में कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। ओके, तो चलिए अब अमेंडमेंट्स के बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कौन से चैप्टर के अमेंडमेंट्स देखने जा रहे हैं, आओ मित्रों आओ, सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं अमेंडमेंट्स इन रजिस्ट्रेशन। आई होप रजिस्ट्रेशन का नाम आप लोगों ने सुना है, रजिस्ट्रेशन एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है और उस चैप्टर की अमेंडमेंट्स हम लोग जो है सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब सॉल्व करने के बोल रहा हूँ कि देखने जा रहे हैं, राइट? अब कितनी अमेंडमेंट्स हैं, लो भाई 8 अमेंडमेंट्स हैं टोटल मिला के, 8 अमेंडमेंट्स। ये देख के बच्चे के हाथ पैर जो हैं वो फूलने शुरू हो जाते हैं कि सर 8 अमेंडमेंट्स सर कैसे होंगी हमसे। बेटा सबसे पहली बात आपको ये समझने की ज़रूरत है कि अमेंडमेंट्स कोई मेन सेक्शंस में नहीं आई है। अभी जो हमारे CGST के बिल है 2018 वाले वो तो है ही नहीं सर हमारे सिलेबस में, वो तो आएंगे मई 2019 में। सो नवंबर 2018 के लिए मेन सेक्शंस में कोई बहुत मोटी मोटी अमेंडमेंट नहीं है, रूल्स में, नोटिफिकेशंस में, सर्कुलर के फॉर्म में अमेंडमेंट है और मुझे ऐसा लगता है मैक्सिमम अमेंडमेंट इसमें जो है सर वो इररिलेवेंट होने वाली है, इररिलेवेंट, उनका आपके एग्जाम पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। हाँ, एक दो अमेंडमेंट ज़रूर ऐसी होगी जो सर सुपर सुपर से भी ऊपर इंपॉर्टेंस रखती होगी, वो अमेंडमेंट मैं आपको अच्छी डिटेल में कवर करा दूंगा। और जिन लोगों ने हमसे नवंबर 2018 की क्लासेस ली हैं मैक्सिमम चीज़ें उसके अंदर कवर्ड हैं, मैक्सिमम चीज़ें, राइट? ये सर्कुलर नोटिफिकेशन IUPAC लेवल पे सर मुझे नहीं लगता कि ICAI को पूछने चाहिए,
बट फिर भी आईसीए ने सर एक 49-50 पेज का एक बुकलेट दिया, तो सर हमें उसे पढ़ लेना चाहिए, राइट। फिर बोल दूं जो नवंबर 2018 की आपने हमसे वीडियोस ली थी उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर होंगी, अगर मई 2018 की वीडियोस ली थी तो उसके अंदर ऑब्वियसली चीज़ें कवर नहीं थी, राइट। क्योंकि मई 2018 में आपके 31 अक्टूबर तक की अमेंडमेंट आती हैं और नवंबर में आपके लिए सर आती है 30 अप्रैल तक की। आइए सबसे पहली बात करते हैं सर UIN के बारे में। आई होप आपने UIN सुना है। अच्छा, ICA की वो बुकलेट कौन सी है सर? ICA की वो बुकलेट ये रही, ये सर एक बुकलेट है, इसमें सर आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं। मैं अभी आपके साथ उस बुकलेट का चैप्टर नंबर 7 डील कर रहा हूँ। ये कहाँ मिलेगी? ये भी सर आप हमारी ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो ड्यूक क्रेडिट्स टू ICAI आप ICAI की वेबसाइट से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, तो UIN आई होप आप सबको पता है सर, UN एटसेट्रा को प्रोवाइड किया जाता था। ये थी सर आपकी पहली अमेंडमेंट। ये चार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। देखिए अर्लियर क्या होता था सर, प्रॉपर ऑफिसर के पास एप्लीकेशन जाती थी UNO एटसेट्रा की, और प्रॉपर ऑफिसर जो है सर उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो दे देता था, राइट। बट अब क्या होगा, एप्लीकेशन भी दे सकता है और अमेंडमेंट देखिए कितनी बड़ी अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट देखिए, PO सर अब ये काम आफ्टर रिसीविंग रिकमेंडेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कर सकता है। कौन सा काम? UIN देना। किसको? UNO एटसेट्रा को। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 25 सबसेक्शन 9। पहले PO कैसे करता था, उसे एप्लीकेशन मिलती थी, अब PO सर एप्लीकेशन पे भी कर सकता है। और मित्रों वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की रिक्वेस्ट पे भी ऐसा कर सकता है। आई शुड यूज द वर्ड रिकमेंडेशन, ठीक है जी। डिटेल में पढ़ना है, लो भाई डिटेल में पढ़ लो। एक बार मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ, बस मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ क्या है इस अमेंडमेंट के अंदर, ऐसी मुझ नोनू शोनू मोनू अमेंडमेंट्स आई हैं। सारी अमेंडमेंट का नेचर लगभग सेम है सर, यही है। पहले ऐसा होता था, अब ऐसा होता है, बस दैट्स इट। आइए एक रीडिंग सर यहाँ से, अगर आप पढ़ना चाहते हैं, रूल 17(2) हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट the said UIN unique identification number may be assigned by the proper officer upon submission of an application in the prescribed form or after filing of the said form, yahan tak to pehle hi tha, or after receiving a recommendation of ministry of external affairs of our government of india, retrospective effect se applicable hai, that's it। pehli amendment ka wicket ho gaya apna down, lo bhai is pe tick maar dete hain। dusri amendment dekhte hain mitro, dusri amendment, person making interested supply of handicraft good and casual textile person making textile supply of handicraft good exempted from obtaining compulsory registration subject to fulfillment of specified condition। background sir, interstate supply of goods कर रहे हो, चाहे threshold limit आपकी exceed हुई है नहीं हुई है, सर जी आपको registration लेना क्या हो गया है, mandatory हो गया है। बोलिए क्या हो गया है? mandatory हो गया है। लेकिन भाई CTP हो, रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है ही है, CTP समझ गए, कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन डाली गई कि सर अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे हैं और वो हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं और आपने कंडीशन सेटिस्फाई करी है, कंडीशन सेटिस्फेक्शन में कुछ नहीं है, बहुत आसान है, तो सर आप लोगों को अब रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी नहीं है। ऐसे ही CTP कैजुअल टेक्सटाइल पर्सन को बोला कि अगर आप हैंडीक्राफ्ट दे रहे हो, हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेच रहे हो, तो सर आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी नहीं है। आइए ज़रा इसको सर एक बार चार्ट फॉर्म में पढ़ लेते हैं जल्दी से। लीजिए कितना आसान मामला, ये देखिए, ये रहा, कहाँ गया, वही रह गया क्या कहीं पे? हाँ कहीं पे वो रह गया मुझसे शायद, चलिए मैं देखता हूँ कहाँ पे रह गया। हाँ ये रहा ना, बिल्कुल। लीजिए सर GST अमेंडमेंट सेकंड वाले पॉइंट, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड ऑफ रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड एक केस, एंड CTP रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड दूसरा केस। सो अर्लियर क्या होता था, इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी सर, CTP कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, नाउ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल हैंडीक्राफ्ट, टैक्सेबल हैंडीक्राफ्ट नो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नंबर वन, वैल्यू ऑफ गुड्स आपके वैल्यू ऑफ जो टर्नओवर है ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे, आई होप आपको याद है 10 लाख या 20 लाख से ऊपर नहीं जानी चाहिए, 20 लाख नॉर्मल स्टेट, 10 लाख स्पेशल कैटेगरी स्टेट एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये सारी बातें भाई मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है, राइट। एंड पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट टैक्सेबल सप्लाई हैंडीक्राफ्ट ऑप्टेन वॉट, ऑप्टेन वॉट, कम ऑन गाइस टेल मी, पैन एंड ईवे बिल, दैट्स इट, ऑप्टेन वॉट, पैन एंड जनरेट वॉट, ईवे बिल। ऐसे ही सर CTP अगर हैंडीक्राफ्ट टैक्सेबल हैंडीक्राफ्ट गुड्स के साथ सप्लाई कर रहा है तो सर उसको भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, जबकि CTP की अगर हम जनरली बात करें तो उसका रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता था। लेकिन भाइयों मित्रों दोस्तों एंड एवरीवन, CTP अगर सर हैंडीक्राफ्ट गुड्स की सप्लाई कर रहा है तो उसे अब रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है, प्रोवाइडेड दैट दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, एक टर्नओवर वाली कंडीशन और एक भाई उसने पैन ऑप्टेन कर, पैन सर्व कर दिया हो, पैन फर्निश कर दिया हो, साथ ही साथ में उसने सर ई वे बिल जनरेट किया हो, दैट्स इट सर, दैट्स इट। लीजिए सर ये दैट्स इट, खत्म सर अमेंडमेंट। बताइए क्या था सर इसके अंदर। सो
पेपर में आने के चांसेस बहुत 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 कम. गुड्स स्पेसिफिक, सर्विस स्पेसिफिक चीज़ें पेपर में, वो भी सर्कुलर नोटिफिकेशन लेवल पे आने में बहुत कम है. बट फिर भी हम लोग सर आपके लिए कवर कर रहे हैं, जस्ट आपके माइंड का फियर भगाने के लिए. क्योंकि सर जी ये जो फियर है ना, ये सब कुछ काम गलत कराता है. एक बार और बोल दूँ सर, जीएसटी के अमेंडमेंट बहुत आसान है. सेक्शंस में एज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है. रूल्स नोटिफिकेशन सर्कुलर्स हैं जिनका सर हमारे एग्जाम पे आईपीसी लेवल पे वैसे ही बहुत कम इम्पैक्ट आता है, बट हम सर कवर कर लेंगे. राइट, फिर एक बार बोल दूं भाई, EDU 91 की ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, उसी के अंदर आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी. ये यूट्यूब पर सिर्फ एक ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ मैं, बाकी सारी वीडियोज़ वहाँ पर सर कोर्स फॉर्म में, प्रॉपर कोर्स फॉर्म में विद नोट्स, और हो सका तो दो चार क्विज भी डाल दूंगा आप लोगों के लिए. राइट, सो ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा. आइए. अच्छा सर, आप सर अपनी चीज़ें प्रमोट कर रहे हो. अब नलायक फ्री ऐप है, फ्री कोर्स है. मैंने देखा 500 रुपये में कोई बेच रहा है इस कोर्स को, अमेंडमेंट वाले कोर्स को. चलो, तो हमारी सर दो अमेंडमेंट्स जो हैं कवर हो चुकी हैं. आइए सर तीसरी अमेंडमेंट पे चलते हैं. सर तीसरी अमेंडमेंट जॉब वर्क से रिलेटेड है. सर मेरे को तो जॉब वर्क में कोई क्लियरली पता है सर आईपीसी के सिलेबस में नहीं है. ठीक है, आइए एक बार आप पढ़ लीजिएगा. आपको मन करे नहीं 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 मैं तो भाई चमत्कारी बच्चा हूँ, प्लीज़ रीड इट वंस. देन फोर्थ अमेंडमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट सर, मैंने अपनी वीडियोस में तो कवर कराई रखी है और मैं फिर आपको सर एक बार बता देता हूँ. इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, बट इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस सर कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है. राइट, टर्नओवर वाली कंडीशन एप्लीकेबल रहेगी साहब, कि अगर टर्नओवर एक्सीड कर गया आपका स्पेसिफाइड थ्रेशोल्ड लिमिट से तो आपको सर रजिस्ट्रेशन जो है वो लेना पड़ेगा. ओके, सो पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू ₹20 लाख एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन. आई होप समझ आया, बोल दो हाँ या ना. हाँ भाई हाँ. अच्छा जी, चलते रहिए सर. ये सर आप याद रखेंगे कि भाई स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ये मैं सब पता है आपको. ये मेरी रिविजन वीडियोज भी अगर आप देखेंगे तो भी सर मैंने उसमें चीज़ें बता रखी हैं जो मैंने पिछली बार रिविजन वीडियोज बनाई थी मे 2018 के लिए. तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं है सर. अब ये चीज़ें देखिए ना, कब आ चुकी हैं, 13-10 को आ चुके हैं. 13-10 मतलब सर जी हो गया कार्यक्रम. हाँ भाई, मतलब ये तो मे के लिए भी एप्लीकेबल था. राइट, अब आते हैं सर अपनी फिफ्थ अमेंडमेंट पे, और ये बहुत ही आसान सर. फिफ्थ अमेंडमेंट सर मेरे हिसाब से तो आपको कवर ही नहीं करनी चाहिए. क्यों नहीं कवर करनी चाहिए सर? ये बात करता है सर उन लोगों की जिनका ऊपर सर टैक्स डिडक्शन के जो हैं, टैक्स कलेक्शन के जो हैं प्रोविजन एप्लीकेबल रहते हैं एज पर सेक्शन 52, और सर जी वो जो है हमारे कोर्स का पार्ट ही नहीं है. कंप्लीटली इग्नोर इट. आपको मैं कैसे विश्वास दिलाऊं कि भाई सी ए इंटर लेवल पे जीएसटी के ऊपर बहुत आसान आने वाला है. मैंने पिछली बार भी यही बात बोली थी, अभी भी यही बात बोल रहा हूँ. टू द पॉइंट रहेगा, रटे रटाए क्वेश्चन आने वाले हैं सर. छोटे मोटे सर सर्कुलर नोटिफिकेशन का इंपैक्ट कहाँ डालें, पहले भाई मेन क्वेश्चन तो पूछ लें आपसे. राइट, फिर भी मैं भाई ओनस अपने ऊपर नहीं लूंगा. मैं बोलूंगा सर आपको अच्छा लग रहा है भाई एक बार पढ़ लेना. मेरी तरफ से आउट ऑफ कोर्स है, जॉब वर्कर वाला है वो मैंने आपको बोला पढ़ लेना, और ये इको वाला जो मैं सर आपको बता रहा हूँ ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आप पढ़ लेना. अगले सर अमेंडमेंट पे आते हैं, सिक्स्थ अमेंडमेंट पे आते हैं. फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यूएन ऑर्गेनाइजेशन टू ग्रांटेड सेंट्रलाइज्ड यूआईएन यून. बहुत आसान भाई, क्या बताऊं मैं आपको इसके अंदर. सिर्फ इतनी सी बात बताना चाहता हूं कि सर देखिए, वैसे तो हम सबको पता है जीएसटी में स्टेट बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है. अब सर यूएनओ वगैरह अगर रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं या जो भी सर लोग मेंशन थे वहाँ पे उस सेक्शन में, आई थिंक सेक्शन 25 सबसेक्शन 9 में, तो अब ये सोचिए सर बड़ी बड़ी वर्ल्ड लेवल की ऑर्गेनाइजेशन और अपने हर स्टेट में जा जा के रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कह रहे हो, वो भी मजाक उड़ा रहे होंगे. इंडिया क्या कर दिया, इंडिया ये कैसे हो गया इंडिया. तो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला अच्छा चलो ठीक है एक काम कर देते हैं, ये जो सर यूआईएन इशू होना है ना यूनाइटेड नेशन एटसेट्रा एटसेट्रा को, मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एटसेट्रा को, ये सेंट्रलाइज्ड होगा. जय माता दी. राइट, तो कितना आसान है देखिए सर. फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन यूएन ऑर्गेनाइजेशन टू बी ग्रांटेड सेंट्रलाइज्ड रजिस्ट्रेशन. रूल 17 ऑफ सीजीएसटी रूल हैव बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट यूनिक आइडेंटिटी नंबर ग्रांटेड टू एनी स्पेशलाइज एजेंसी ऑफ यूएन और एनी मल्टीलेटरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड अंडर यूनाइटेड नेशन दिस एक्ट काउंसलेट और एम्बेसी ऑफ फॉरेन कंट्री शैल बी एप्लीकेबल टू द टेरिटरी ऑफ इंडिया. यानी एक ही यूएन मिलेगा और वो पूरी इंडिया में सर वैलिड होगा. ओके, यानी कि इनको स्टेट बेस्ड यूआईएन्स लेने की बिल्कुल भी जरूरत जो है वो नहीं है. सच सेंट्रलाइज यूएन विल लेसन द कंप्लायंस बर्डन ऑफ फॉरेन डेवलपमेंट मिशन एटसेट्रा. क्यों किया है सर? ताकि कंप्लायंस बर्डन क्या हो जाए, कम हो जाए. क्या था इस अमेंडमेंट में? क्यों डरा रहे हो बच्चों को, क्यों खून करवा रहे हो बच्चों से सर इधर उधर? इसलिए कि सर वो कोचिंग दोबारा ले लें? अजी जरूरत ही नहीं है. सिर्फ अमेंडमेंट सर यहाँ से आराम से कवर करके जाइए आप. जब तक मैं हूँ भाई तब तक आपको किसी चीज़ की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आइए सर एक और अमेंडमेंट कर लेते हैं. एट्थ अमेंडमेंट, अमेंडमेंट के नाम पे कलंक सर. वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर आपने कराया था जीएसटी में, जो कि आपको पता है सर अलाउड है, तो उसको आप कैंसिल नहीं कर सकते थे. कम से कम एक साल वेट करना पड़ता था सर. गवर्नमेंट ने ये जो प्रोविजो था उसे हटा दिया है और बोला है कि सर आप जब मर्जी चाहे उसको कैंसिल कर सकते हैं.
एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैन बी कंसिडर बिफोर वन ईयर फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन. इतना ही पढ़ लेना अगर आप सिर्फ हेडिंग, काम हो गया सर अपना. हम अपना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा सकते हैं कभी भी. पहले उस पर एक लिमिट होती थी कि एक बार वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन करा लिया तो एक साल कैंसिल नहीं कराना. अब सर वो लिमिट नहीं है, आप रजिस्ट्रेशन करवाएं वॉलंटरी और कैंसिल करवा लीजिए. फायदा ही फायदा है, कंप्लाइंस देखिए कितना बच रहा है. पहले नहीं तो भाई रजिस्ट्रेशन करा ली और भाई साहब चलो 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 अब गंगा के पार चलो, बैठो जाके वहाँ पे और भाई साहब सोचते रहो बस, ठीक है. क्योंकि एक साल तक आपको सारी कंप्लाइंस जो है रिटर्न विटर्न के साथ पूरे करने पड़ते थे, अब आपको ऐसा भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. लीजिए डिटेल रीडिंग. ओ माई गॉड मित्रों, आओ डिटेल रीडिंग करते हैं. Rule 20 of CGST rule prescribes the provision of making an application for cancellation of registration. The provision to Rule 20 laid down that application for cancellation of registration by a person has, who has obtained voluntary registration cannot be considered before 1 year of the effective date of registration. The said provision has been omitted to do away with such a condition. लीजिए सर, एक और अमेंडमेंट पढ़ा देता हूँ भाई. इसके बाद रजिस्ट्रेशन चैप्टर की अमेंडमेंट्स हो गई खत्म. खौफ में जो बैठे थे उठ जाइए, जाग जाइए, कुछ भी नहीं है इसके अंदर. बहुत आसान आसान अमेंडमेंट्स हैं. आईपीसीसी के लिए सर इतनी ज़रूरी भी नहीं है, बट फिर भी हम कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट है. जैसे कि ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट थी भाई, ये इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस अप टू ₹20 लाख एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन, फोर्थ नंबर वाली अमेंडमेंट. ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो इंपॉर्टेंट है वहाँ चिल्ला चिल्ला के बोलूंगा कि इंपॉर्टेंट है. आइए, सो इफेक्टिव डेट कब होगी सर अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन की, इस पर चर्चा चल रही है. तो हम रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट कराते हैं, उसके लिए हम एप्लीकेशन देते हैं. क्या वो अमेंडमेंट जिस दिन एप्लीकेशन दी थी उससे भी पहले की हो सकती है? हाँ सर, अगर कमिश्नर कह देंगे तो. आइए पढ़ते हैं क्या. इफेक्टिव डेट ऑफ अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन डिटेल्स कैन बी अर्लियर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ओनली व्हेन द कमिश्नर ऑर्डर द सेम फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग. तो बात बहुत सिंपल सी और इररिलेवेंट है आपके एग्जाम के लिए. लेट मी टेल यू, लेकिन पूछ लेंगे तो बस एक हिंदी की लाइन याद रख के जानी है कि अमेंडमेंट जो रजिस्ट्रेशन में है वो एप्लीकेशन की डेट से पहले भी इफेक्टिव हो सकती है अगर कमिश्नर ऑर्डर दे दे इन रिटन. दैट्स इट. और किसी केस में सर वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी आपके रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में. आइए, रूल 19 ऑफ सीजीएसटी रूल 2017 प्रिस्क्राइब्स द प्रोविजन फॉर अमेंडमेंट ऑफ पर्टिकुलर फर्निशन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. काम की लाइन नहीं. द सेड रूल हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट एनी पर्टिकुलर द एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शैल नॉट स्टैंड अमेंडेड. शैल नॉट अमेंडेड नहीं मानेंगे. विद इफेक्ट फ्रॉम अ डेट अर्लियर देन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन. हम आपके रजिस्ट्रेशन को अमेंडेड नहीं मानेंगे फ्रॉम अर्लियर देन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अर्लियर देन द डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट on the common portal except with the order of commissioner for reasons to be recorded in writing and subject to such condition as the commissioner may in the said order specify. लीजिए सर, खत्म 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 मामला, खत्म खत्म खत्म. पूरा का पूरा सा चैप्टर जो है ना हमने एक निपटा दिया है. 31, 32, 33, 34 चार पेज निपटा दिए. ऐसे सर 49 पेजेस हैं. तो लगभग मुझे सर इसमें जितनी भी वीडियोस लगेंगी मैं आपके लिए बनाता जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करिए, ठीक है. ये सब पूरी अमेंडमेंट्स आप लोग देख सकते हैं, चैप्टर वाइज अमेंडमेंट्स हैं यहाँ पे और पूरे पेज वाइज देख सकते हैं सर 49 पेजेस के आसपास है, जिसमें से कई चीज़ें ऐसे हैं सर जो हमारे लिए बिल्कुल भी रिलेवेंट जो है वो नहीं है. फिर से मैं रिपीट कर दूँ, बिना डरे आपने जितने सर मई 2018 के लिए कोचिंग ली थी उस जीएसटी को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए. फिर सर आप ये सारी वीडियोस देखिए, देखिए सर चीज़ें कैसे आसानी से कवर होती है. इंस्टीट्यूट की आरटीपी के क्वेश्चन कवर कीजिए, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का एक एक सवाल अच्छे से कर लो यार, ठीक है. बस फिर सर आपका कार्यक्रम जो है कंप्लीट हो जाएगा. एंड मुझे कुछ चीज़ें दोबारा से रिपीट करते हैं भाई, ऐप पे ही सारी वीडियोस आएंगी. आज एक आ गई है, अब जब जब मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस जो है अपलोड करता रहूँगा. नोट्स वहाँ पे आएंगे, चार्ट्स वहाँ पे आएंगे और बहुत सारी और चीज़ें भी वहाँ पे आएंगी. राइट गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे कनेक्टेड, स्टे है, जय हिंद. और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद. बाय बाय, टेक केयर.